हाय, मैं उलू यादव। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। तो मैं पहुंच गया हूं गणपति पुले के बीच पे। तो मंदिर पहले 5:30 बजे चालू होता था गणपति पुले का, तो अभी फिलहाल कोरोना के वजह से 7:30 कर दिया है। तो मैंने सोचा थोड़ा बीच पे घूम लेते हैं। जब मैं बीच पे आया तो फिलहाल अभी 6:30 हो चुके हैं, अभी कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं गणपति पुले बीच पे पूरा खाली है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आप गणपति पुले आते हैं तो कोशिश करिए कि रहने के लिए गणपति पुले के जो मंदिर है उसके आसपास ही बहुत सारे सस्ते में लॉज है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो देखते हैं, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गणपति पुले। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से गणपति पुले का मंदिर का रास्ता स्टार्ट होता है अंदर जाने का। तो दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है गणपति पुले का मंदिर। तो मुझे शायद लगता है कि अंदर से वीडियो निकालना अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए मैं मंदिर के बैक साइड से वीडियो निकाल रहा हूँ जो समुद्र के सामने ही है। थोड़ा टाइम निकाल के एक बार आप जरूर गणपति पुले आइए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा समुद्र है। Thank you.
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं डायरेक्ट रत्नागिरी के लिए। वहाँ भी दो तीन बहुत अच्छे स्पॉट्स है, तो अभी हम यहाँ से नाश्ता करके यहाँ से निकलने वाले हैं। गंती कुएँ से डायरेक्ट हम रत्नागिरी जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ क्या कुछ देखने के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और कोशिश करिए एक अच्छे इंसान बनने की। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।